हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बैडमिंटन में जो नेट ड्रॉप शॉट होता है वो कैसे खेलते हैं, यानी कि वो ड्रॉप शॉट जो नेट पे आप खेलते हो उसको कैसे मारना है। तो अगर हम बात करें नेट ड्रॉप शॉट की, तो इसमें आप दो तरह से शॉट मार सकते हो। एक तो होता है स्ट्रेट ड्रॉप, जिसको हम बोलते हैं टाइट नेट शॉट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा क्रॉस ड्रॉप शॉट। तो जैसा कि आपको इस वीडियो में देख रहा है, देखो ये जो है इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ड्रॉप शॉट, और जो ये शॉट है इसको बोलते हैं हम क्रॉस ड्रॉप शॉट। तो चलो अभी हम जानते हैं कि इसको कैसे मारना है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो अभी हम फॉरेन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरेन में नेट ड्रॉप शॉट जो होता है वो कैसे मारते हैं। तो देखो जो अब जब आप नेट ड्रॉप शॉट मारने जा रहे हो, तो आपको जो पहला चीज़ है वो शटल के पास रीच करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो शटल को मारने जा रहे हो तो आप शटल से आगे मत निकलना, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि शटल को जब भी मारने जाते हैं तो शटल से आगे निकल जाते हैं। तो आप जैसे शटल से आगे निकलोगे तो आप शटल को फिर नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो आपको शटल के पीछे खड़ा होना है, यानी कि शटल आपके आगे होनी चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने क्या किया, मैं शटल से आगे भाग के आया, ठीक है। तो मुझे फिर शटल को मारने में प्रॉब्लम हुई, मैं शटल को नहीं मार पाया। तो आपको शटल के आगे नहीं जाना है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, देखो देखा, ठीक है ना। तो मैं शटल के अगर आगे जाऊंगा तो मुझे मारने में प्रॉब्लम होगी। अब देखो आपको कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, शटल आई, जैसे ये देखो ये आई, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा स्ट्रेट ड्रॉप था। तो आपको इस तरह से मारना, आपको शटल से आगे नहीं निकलना है, ठीक है। तो अब देखो आप जब आप नेट ड्रॉप शॉट मारा तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप नेट ड्रॉप शॉट मारोगे, ये था हमारा स्ट्रेट ड्रॉप शॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला चीज़ जो है आपका, आपको शटल के पास रीच करना है। आप शटल के पास गए, आपका ये आया राइट लेग आगे, ठीक है, और राइट लेग आगे आया। उसके बाद आपको करना होता है ड्रिबल। क्या करना होता है, ड्रिबल, यानी कि ये पहले लेग आया लैंड, उसके बाद आपको रैकेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉप मारते समय आप कैसे ड्रिबल करना है, ठीक है। यानी कि आप कैसे, जैसे ऐसे आए और ये ड्रिबल, तो ये हो गया ड्रिबल करना है। ड्रिबल करोगे, पहले आपका लेग आया, फिर आपका रैकेट ऊपर है। अब रैकेट से आपको शटल को ऐसे सॉफ्ट सा टच करना है, ठीक है। ध्यान देना है कि जो आपका ये हैंड है, ठीक है, तो आपको हैंड को क्या रखना होता है, अपने हैंड को ऐसे रखो, ठीक है। आपका जो रैकेट होगा थोड़ा सा नीचे रहेगा, देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे, और फिर यहाँ से स्ट्रेट, और फिर ये नीचे, और फिर ऐसे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एल्बो है, ठीक है ना, एल्बो को पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है। क्या एल्बो कैसे पूरा स्ट्रेट नहीं रखोगे आप, इसको थोड़ा सा ऐसे एल्बो को ऐसे आप बेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब बेंड होगा तभी तो हम ऐसे मारेंगे ना, देखो ये, ताकि आप इसको ऐसे मूवमेंट करा सको, ठीक है। आपका ये मूवमेंट, ये ऐसे मूवमेंट करोगे ना तो आपको स्ट्रेट नहीं रखना है इसको, बल्कि थोड़ा सा ऐसे बेंड रखना है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा, ऐसे हमारा आर्म ऐसे रहेगा, ठीक है। अब जब आप शटल को मार रहे हो तो आपको देखो शटल, जब आप शटल को यहाँ नेट से ऊपर ले रहे हो तो आपको शटल को ऐसे, आपका जो ये रहेगा, ये मतलब कि आपका जो रैकेट का स्ट्रिंग्स है, जो आपका रैकेट का हेड है, ये आपका नीचे की तरफ रहेगा। क्योंकि आप शटल को ऊपर से ले रहे हो तो आपका ये नीचे की तरफ रहेगा। वही चीज़ अगर आप लेट अगर हो गए हो, आप शटल को नीचे से मारना चाहते हो, तो ये आपका ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, जैसे देखो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं अभी, अगर आप नीचे से मारेंगे तो कैसे मारेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैं नीचे से मारूंगा, ठीक है, देखो ये और ये। अब मैंने नीचे से मारा ना, तो मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे किया, ठीक है। तो आप जब भी नीचे से मारोगे तो आपका ये रैकेट का हेड जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर आप ऊपर से मारोगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। अब मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो आपका लेग था, ठीक है, आपको लेग को देखो, आप जैसे शटल के पास जा रहे हो ना, तो आपको ऐसे करके ऐसे नहीं रखना है लेग को। देखो ये लेग बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं, लेग को ऐसे रख के ऐसे ड्रॉप मारते हैं, ठीक है। ये आपका बैड फुटवर्क पोजिशन है, आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका कैसे होना चाहिए, जो आपका टोज है ना, ये आपका इस साइड होना चाहिए, ठीक है। और देखो मैं ऐसे शटल के एकदम फ्रंट में खड़ा नहीं हूँ, मैं शटल का थोड़ा साइड में खड़ा हूँ, ठीक है। जैसे शटल वहाँ पे आ रही है ना, देखो जैसे शटल आएगी, ठीक है, तो मैं देखो शटल का ऐसे गया और ये, ठीक है। तो मैं शटल का कहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम साइड में खड़ा हूँ थोड़ा, मतलब शटल के एकदम फ्रंट में नहीं हूँ, शटल यहाँ पे आ रही है और मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो एकदम आपको शटल के ऐसे इधर जाके ऐसे नहीं मारना है, ठीक है, आपको उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से आपको शटल को, पहले बात तो आपको ट्राई करना है कि आप शटल को जितने दूर से मार सको ना वहाँ से मारना है, यानी कि जहाँ से आप उसको रीच कर सको वहीं से मारने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप शटल के एकदम क्लोज जाओगे तो फिर शटल को आप अच्छे से नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, देखो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे मूव करके जाना है, आपका फुटवर्क ऐसे आया, शटल ये जो होगा शटल के डायरेक्शन में रहेगी, और उसके बाद आपको बस यहाँ हैंड को लाके और ये स्ट्रेट लाके ऐसे टच करना है, ठीक है। फिर से देखो, ठीक है, इस तरह से। अगर वही हम बात करें, अब आपको क्रॉस कोर्ट कैसे ड्रॉप शॉट मारना है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा था, ये क्रॉस कोर्ट नेट ड्रॉप शॉट कैसे मारना, ठीक है। देखो ये आई बटन, मैंने उसका लिंक दिया, आप यहाँ से जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी जाके देखो, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको जस्ट दिखा रहा हूँ करके। आप अगर पूरा अच्छे से जानना चाहते हो तो आप क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको कैसे करना होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम सेम हमारा फुटवर्क लैंडिंग हुआ और सब कुछ सेम हुआ, अब ये आया, बस आपको हैंड को ऐसे करके और ये आपको ऐसे रिस्ट से इसको फ्लिक करना होता है शटल को, ठीक है। तो देखो आपको कैसे करना,
तो देखो अभी हम बैक हैंड में ड्रॉप देंगे, ठीक है। तो जब आप बैक हैंड में ड्रॉप दोगे तो जो आपके यहाँ पे ग्रिप आएगा, आपका कौन सा ग्रिप आएगा, आपका आएगा थम ग्रिप, ठीक है। और जब आप क्रॉस कॉट ड्रॉप शॉट मारोगे तो आप इसको बैल ग्रिप में चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट जब आप स्ट्रेट नेट ड्रॉप शॉट मारोगे, टाइट नेट शॉट मारोगे, तो आपका ये बैक हैंड ग्रिप ही होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ करना है सेम। तो ये गया और ये लेफ्ट हैंड आया और ये मैं शटल के साइड खड़ा हूँ और फिर यहाँ से ये, ठीक है, फिर मारूंगा और फिर ये, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है, या फिर ये करके आप ये, ठीक है। इस तरह आपको ड्रॉप देना है। और अगर वही क्रॉस ड्रॉप की अगर मैं बात करें तो कैसे आएगा, ये यहाँ से ये देखो, ये ऐसे आएगा, ये और ये, ठीक है, ऐसे। चलो भैया, तो इस तरह से आपको स्ट्रेट ड्रॉप शॉट मारना है। और वही अगर क्रॉस कोट ड्रॉप शॉट आप सीखना चाहते हो तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया, ठीक है। तो चलो अभी आपको मैं वो करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। बट अगर आपको उसको अच्छे से सीखना है तो आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अगर मैं बार बार एक ही चीज़ बताऊँ तो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर मेरे को भी ज़्यादा दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जाके देखना, ठीक है। चलो भैया, मैं आपको मार के दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज़ जो है कि हमारा एक ग्रिप, तो आपका जो ग्रिप है, अगर आप फॉरेन साइड में जब आप स्ट्रेट ड्रॉप शॉट मार रहे हो तो आपका है फॉरेन ग्रिप, ठीक है। तो देखो ये फॉरेन ग्रिप, ये आपका आया फॉरेन ग्रिप। और वही अगर आप जब बैक हैंड में मार रहे हो तो आपका देखो जब स्ट्रेट ड्रॉप मारोगे तो आपका आएगा थंब ग्रिप, ठीक है, थंब ग्रिप। ऐसे अगर आपको नहीं पता कि रैकेट ग्रिप कैसे पकड़ते हैं तो वो भी मैंने लिंक डाल दिया, वो भी जाके देखो, ठीक है। तो आपका जो ग्रिप आएगा बैक हैंड ग्रिप। और अगर वही हम बात करेंगे क्रॉस कोट ड्रॉप की, तो यहाँ पे आएगा आपका थोड़ा बैल ग्रिप, ठीक है। आप उसको बैल ग्रिप में चेंज कर सकते हो, हल्का सा बैल, यानी कि आपका देखो ये थंब है ना, तो आप इसको ऐसे करके ये आपको ये थोड़ा सा चेंज करना अपने रैकेट को। तो ये हमारा ग्रिप हो गया। अब दूसरा चीज जो आपको ध्यान देना है वो है कि जब भी आप शटल को मारने जा रहे हो, नेट पे ड्रॉप शॉट मारने जा रहे हो, तो आपको अपने बॉडी में बैलेंस रखना है, यानी कि आपका जो बॉडी है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। आपका बॉडी इंबैलेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आपकी बॉडी इंबैलेंस हो जाएगी तो आप अच्छे से नेट शॉट नहीं मार पाओगे, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है आपका वो फुट लैंडिंग। तो जो मैंने आपको बताया फुट लैंडिंग, अब फुट लैंडिंग के साथ क्या होता है कि आपका टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब फुट लैंडिंग करा रहे हो ना, तो आप ये नहीं है कि आप शटल से पहले लैंड कर दो, यानी कि जैसे आप गए और ये कि पहले ना तो लैंड करना है, यानी कि जैसे आपका ये लैंड होगा ना, तो पहले लैंड नहीं होना चाहिए, शटल आने से पहले लैंड नहीं करना है और शटल गिरने के बाद भी लैंड नहीं करना है, यानी कि आपको वेट करना है शटल का, और जैसे शटल आएगा उसके साथ ही आपको ड्रिबल करना है। तो जो ड्रिबल है वही हमारा है फुट लैंडिंग। तो आपका फुट लैंडिंग जो है वो आपको शटल के अकॉर्डिंग टाइम के साथ ही उसको आपका फुट लैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप शटल को नेट ड्रॉप शॉट मारने जा रहे हो, तो ये है कि आपको शटल को हमेशा ट्राई करना है अर्ली लेने के लिए, यानी कि जितना पॉसिबल हो सके आपको शटल को उतना ऊपर से मारने का कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि देखो आपको क्या होता है कि जब आप शटल को नेट पे मारते हो ना, तो आप शटल को जितने ऊपर से मारोगे आपका एरर होने का चांस भी उतने कम होगा, और जितना शटल नीचे गिरते जाएगा आपका एरर होने का चांस भी उतना बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऑब्स्टिकल आ जाता है नेट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नेट यहाँ पे आ जाता है, तो नेट के डर की वजह से भी आप शटल को मार नहीं पाते और शटल नेट चली जाती है। तो आपको अगर नेट ड्रॉप शॉट अच्छा खेलना है तो आपको कोशिश करना है कि आपको आपका फुटवर्क मूवमेंट जो है फास्ट करना है और शटल को हमेशा ऊपर से लेने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आप जब भी ऊपर से लोगे तो आप अच्छा नेट ड्रॉप शॉट मार सकते हो, ठीक है। और अगर आप लेट हो जाते हो, शटल के पास नहीं पहुंच पाते हो, तो आप उसको कोशिश करना कि आप उसको क्रॉस कोर्ट नेट ड्रॉप शॉट दे दो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब भी आप स्ट्रेट ड्रॉप शॉट या टाइट नेट ड्रॉप शॉट देते हो, तो इस समय आपको कोशिश करना है कि आप शटल को ट्राई करो कि शटल जो आपके नेट से लग के गिरे इस साइड, क्योंकि इस समय आपका क्या होगा कि आपको यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको एक एडवांटेज होगा कि सामने वाला उसको जल्दी नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश यही करना है कि शटल जो आप मार रहे हो वो आपका नेट से लग के गिरे, ठीक है। अगर नेट से लग के गिरती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गिरती है तो भी कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी रहना है। सो आई होप अभी मैंने आपको क्लियर किया होगा कि जो आपको नेट स्ट्रेट ड्रॉप शॉट देना है वो कैसे मारना है, और जो क्रॉस कोट ड्रॉप शॉट मारना है वो भी कैसे मारना है। अगर अभी आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।